हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ आलू और पूरी की रेसिपी। आज मेरा भाई ने मुझसे कहा कि बहन मुझे भूख लग रही है, कुछ बना दे ब्रेकफास्ट में। तो मैंने सोचा कि आलू और पूरी से सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट कौन सा होता है। तो मैंने ले लिया एक प्याज और ज़ीरा और गार्लिक और चिली, इन दोनों को अच्छे से छील करने के बाद कट कर लिया है। और मैंने इसको एक फ्राई पैन को लो फ्लेम पर चला लिया था। अब ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है प्याज, गार्लिक, चिली। अब मैंने जो कट करे हुए आलू थे उसको अच्छे से देख लूँगी कुछ भी गीले तो नहीं है उसको अच्छे से, और इन लोगों को अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट थोड़ा सा, ताकि प्याज अच्छे से लाल हो जाए। लाल हो जाने के बाद इसमें हल्दी ऐड करूँगी, मसाले ऐड करूँगी। आपको अगर चिली पाउडर डालना आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर मैंने जो कट में ऐड कर दिया है, ऐड करने के बाद मैं इसे ऊपर से भी और नमक डालूँगी। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नमक पसंद है, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको चला करके अच्छे से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब मैंने लिए इसमें आलू को, और अब मैंने आटे को गूंद लिया। गूंदने के बाद मैंने छोटी छोटी लोई बना लिया, पूरी की शेप के लिए छोटे छोटे लोई बना लिया। अब मैंने उसको अच्छे से बेल दिया है। बेलने के बाद मैंने सोचा कि ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें ये शेप आया है, इसको देखिए पूरी का इतना ही शेप होना चाहिए। अब मैंने इसको लो फ्लेम पे जो ऑयल छोड़ा था मैंने उसमें पूरी डाल दिया। अब देखिए गाइस कितनी अच्छी एंड टेस्टी पूरी दिखाई दे रही है। आपको ये रेसिपी ज़रूर अपनाइएगा, आप बच्चों को भी दे सकते हैं। ये देखिए अब देखने में कितना स्वादिष्ट और लाजवाब लग रहा है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।